And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections, true. In Judaism, this <laughs> character, the Indo characters, Jesus or Mary, i.e., Hazrat Isa salam or Mary, Hazrat Mary as-Salamullah, has information about them? तो जूडीजम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनकी एक किताब है इवन दो के सब यहूदी इस पर यकीन नहीं रखते लेकिन यहूदियत भी दो 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 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है एक कहलाते हैं एक कहलाती है तौरा जूडीजम और एक कहलाती है रेबिनिक जूडीज़म तौर जूडाजम जो है वो सिर्फ तौरत को कहती है कि अल्लाह ताला या तौ या तनख की जो किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की उसको कहती है कि ये खुदा की शरीयत है इसके अंदर इसके अलावा हमें किसी किताब की जरूरत नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ भी एक कुछ लोग होते हैं ना जो आ, कहते हैं कि हमें हमारे लिए सिर्फ कुरान ही काफ़ी है और हमें अदीस की जरूरत नहीं है तो यहूदियों में भी एक ऐसा तबका है दूसरा तबका यहूदियों का वो है जो तो को भी मानते हैं और तोरेत की इंटरप्रटेशन के लिए एक किताब जिन जिनको वो तालमूद कहते हैं यानी कि उनका भी अकीदा है कि ये इसकी इंटरप्रटेशन है और उसको फॉलो करते हैं बकायदा तो ये तालमोद आप इसको इस तरह ले लें कि जिस तरह मैंने बिल्कुल एट द वेरी बिगनिंग बताया था कि जिस तरह कुरान क़रान इंटरप्रिटेशन की जो तो डिवीज़न है उसको उसके अंदर अहदीस भी आ जाती हैं कमेंट्रीज भी आ जाती हैं और फ़िकी मामलात भी आ जाते हैं कि क्या क्या काम कैसे करना है क्यों करना है कब करना है तो ये सारी इंटरप्रिटेशन जिस तरह कुरान के अंदर डिफरेंट डोमेन है ना कि कुरान की तफसीर जो है वो इस्लाम के अंदर जो कुरान की तफसीर होती है उसकी एक अलग किताब है मुफसरिन के कमेंट्रीज़ है अहदीस का बिल्कुल एक अलग डोमेन है इसी तरह जो फ़िक है वो बिल्कुल एक अलग डोमेन है लेकिन इनके ये सारे मामला जो है वो जिस किताब में कलम बंद है वो तालमूद कहलाती है अच्छा इस तालमोत के भी दो, हिस, दो हिस्से तो नहीं यानी दो किस्म की तालमुद होती है एक कहलाती है येसली तालमूत यानी कि जो यरूशलम में लिखी गई इसराइल के अंदर लिखी गई और दूसरी कहलाती है बावली तालमुत कि बावली वो वाला बावली नहीं है बेवकूफ़ वाला कि बावली हो गई है क्या बाबुल है ये लफ्स लेकिन इसको अबरानी में बावली भी कहा जाता कि वो जो बाबुल में लिखी गई थी यानी कि इराक का मखसूस इलाके के अंदर उसको लिखा गया था यहूदी ओलम ने लिखा था अच्छा ये तालमुद जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है एक कहलाती है मिशना और दूसरी कहलाती है गमारा मिशना जो है वो कमेंट्री है यानी कि इसको समझ लें कि तो की जो तफसील है उसको मिशना मिशना बयान करती है और फिर उससे निकाले गए जो अहकाम होते हैं और जो शकी मसाइल होते हैं उसको गैमारा कहा जाता है इसको ओपिनियंस कहा जाता है डिफेंस इंक्लूडिंग डिबेट्स एंड डिस्प्यूट जिस तरह हमारे हनफी शाफी मालिकी होता है ना कि एक हदीस होती है लेकिन उसके दो मुख्तलिफ मतलब लिए जाते हैं ये सारा गेमारा के अंदर जो है वो मेन्शन होता है तो ये बहुत ही कॉम्प्रीहस बहुत ही बड़ी किताब है तकरीबन इसके तेईस मुख्तलफ वॉल्यूम्स हैं और एक एक दर दर योमी के नाम से एक यहूदियों का बाकायदा एक दिन भी है जिस दिन इसको इसकी जो है ना वो पूरी तिलावत की जाती है शायद इसके कुछ हिस्से की अच्छा एट द एंड इसको आगे बढ़ने से पहले इतना समझा दूँ मैं आप लोगों के बावली तल्मूद जो है जो बाबुल में लिखी गई है स्पीक्स अलॉट मोर अबाउट जीजस एंड मैरी इसके अंदर जीजस और मैरी के करेक्टर का ज्यादा जिक्र आता है बनस्बत उसके जो यरूशलम में लिखी गई है बट नेवर डायरेक्टली मैं तल्मूत यानी कि डायरेक्टली uh, इनको मेंशन नहीं किया गया लेकिन कुछ आसार से पता चलता है हमें कि हाँ ये जिस कैरेक्टर की बात हो रही है वो जीसस और मैरी के कैरेक्टर की बात हो रही है यानी कि ईसा आल साम और हजरत मरीम के कैरेक्टर अच्छा इनडायरेक्ट मैंशन ऑफ जीजस ये सिर्फ स्क्रीन शॉट अबरानी में लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन शॉट सिर्फ ऑन रिकॉर्ड इसको लाने के लिए लिया है ताकि लोग इसको पॉज करके आगे दिखा सके कि भाई जो बात बताई जा रही है ये वेरीफाइड है इसका इसकी ट्रांसलेशन में बताता हूँ अच्छा जी यहाँ पर एक गुफ्तु चल रही है एक यहूदी आलम के और एक शायद के स्टूडेंट के बारे में वो कहने लगे कि एक बात हो रही थी कि टैटू बनाना यानी कि जिसम के ऊपर खुदाई करवाना जिस तरह हमारे यहाँ टैटू बनाने का एक मामला होता है ना कि टैटू बनाना परमानेंट टैटू बनाना हराम है हलाल है टेम्प्रोरी बनाना हराम है हलाल है ये सारे मामला जो फ़िकी मसायल डिस्कस होते हैं ये तलमूद में कुछ उलमा हैं वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अपने के अपने इस तलबा आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये टैटू का क्या मामला है अगर हाथ पे कोई लिखाई करके करे और ये यमु सब्त के दिन करे तो क्या इसके लिए कोई सज़ा मुयन होगी या इसको बख्श दिया जाएगा या आम आम दिनों में ये करना ठीक है या आम दिनों में करना भी ये हराम है ये सारी बहस से अब हास चल रहे हैं आप दलमूद के अंदर तो वहाँ पे एक जिक्र आता है कि डिट द इन फेमस बेंस तादा टेक मैजिक स्क्रैच ऑफ फ्लैश ये एक वाक़ ये भी तो आया था कि बेंस दादा नाम ये बेन कहते हैं इस तरह अरबी में बिन होता है ना जैसे उमर बिन खताब अली बिन अबी तालिब का जो फ़ीकात है यानी कि बिन जो है वो बेटे के लिए इस्तेमाल होता है मर्द के लिए इस्तेमाल होता है जैसे बिनते जो है औरत के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि बिन स्तादा यानी कि इस्तादा का जो बच्चा था क्या उसने ये काम नहीं किया था कि जब वो मिस्र से आया वापस तो उसने अपने हाथ गोदे हुए थे जादुई मंत्र से दे सेट टू हिम ही वॉल अ फूल उन्होंने कहा कि वो तो बेवकूफ़ आदमी था एंड यू के नॉट साइड प्रूफ फ्राम अ फूल और एक बेवकूफ़ से हम जो है वो दलील नहीं दे सकते यानी कि मामला ये चल रहा है कि क्या टैटू बनाना या हाथ पे गुदाई करना ये जायज़ है ना जायज़ है तो उन्होंने कहा कि एक शख्स गुजरा है बिन स्ता नाम का जो अपने आप को कहता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो उसने भी तो ये काम किया तो उन्होंने कहा वो तो अलग नबी थोड़ी था वो तो एक बेवकूफ़ आदमी था और हम किसी बेवकूफ़ से जो है ना वो दलील नहीं लेते इन चीज़ों की जिस तरह हमारे यहाँ हम होता है ना कि कोई एक अबू जहल दो कैरेक्टर है हमारे पास एक अबू जहल का कैरेक्टर है और एक अबू बकर का कैरेक्टर है तो हम देखेंगे कि अबू बकर का क्या अमाल है और फिर उससे जो है वो उम्मत एक एक कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि अगर अबू बकर ने ये काम किया और नबी की सरब्राहिही में काम किया तो फिर उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन अबू जहल ने अगर कोई काम किया हो तो वो शरीयत नहीं बनती तो बिल्कुल इसी तरह का मामला है वो जो बिन सदा नामी बंदा था उससे वो शरीयत अखस नहीं कर

उसका जो आ, उसका जो बाप था उसका नाम इस्तादा था और वॉज नेम इसदा अपने बाप की वजह से उसको बिन इसतादा कहा जाता है इस तरह हजरत हाँ उमर के जो वालिद थे वो खत्ताब थे तो उनको बिन खत्ताब कहा जाता है उमर बिन खताब तो इस्तादा का बच्चा था इसलिए इस्तादा कहा जाता है बट द वन हु हैड रिलेशन विद दिस मदर एंड फादर हिम वॉज पेंदेरा लेकिन जिसकी इसकी माँ से ताल्लुक था ना वो पेंदेरा था यानी बेटा तो वो उसादा का था लेकिन जो असल खून था वो पेंदेरा से पैदा हुआ था ये पेंदेरा कौन है मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर द गिमारा आस्क वॉट्स वॉट नॉट हिज मदर हजबैंड पापोस बिन यहूदा अभी काफ़ी बड़ी डिटेल में जा रहा हूँ मैं हो सकता है आप लोग बोर हो जाए सुन के तो यह मामला चल रहा है कि उसकी जो औरत थी उसके शोर का नाम पापोस तो नहीं था मतलब ऐसा भी मामला है कि हमें मिलता है कि उसकी नाम औरत के शोर का नाम पापोस था और उस जो है उसकी औरत का खुद का नाम था तो आगे डिस्कत होता है लेकिन उसका नाम तो मरियम था वो ब्रेडेड वुमेंस हेयर जो औरतों के जो है वो बाल वगैरह बनाया करती थी तो खैर ये पूरा जो है ना वो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे और यहाँ से एक इशारा बात मिल रही है कि इनकी जो तलमुद है उसके अंदर इनडायरेक्ट जीजस का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे कि जीजस के बारे में बात चलिए कि एक शख्स ऐसा गुजरा है जो दावा करता था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ लेकिन वो मरियम नामी औरत से पैदा हुआ था जिसका एक शौहर भी था लेकिन इसके अलावा उसका एक जो था वो एक जो है वो एक लवर भी था यानी कि उसका एक आशिक भी था जिससे वो असल में पैदा हुआ था और असल वो पंदेरा की औलाद था, था उसका वाबस्ता था तो ये सारी जो है ना गुफ्तगुचर अच्छा एक किताब है जो एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन ने लिखी थी और ये क्रिश्चियन थियोलॉजियन था और इसने इसी ज्इस रेफरेंस से किताब लिखी थी और इसने जीजस कैरेक्टर के बारे में यहाँ मेंशन किया कि ही जीसस ट्रेम फ्रॉम अ जुश विलेज कि वो जो शख्स था जीसस वो एक यहूदी गांव से आया था फ्रॉम अ पुअर कंट्री वुमेन और उसकी माँ जो थी वो एक गरीब औरत थी हु अर्न हर लिविंग बाय स्पिनिंग स्पिनिंग का मतलब होता है कि यानी कि जो एक तवाइफ औरत होती है उसकी उसकी तरफ इशारा है कि जो अपना जिसम फरोशी करके जो है माल हासिल करती है ही द जूसेज डेट शी वॉज ड्रिवन आउट बाई हर हजबेंड कि उसके हस्बैंड ने उसको अपने घर से निकाल दिया था किसको वो जो औरत थी जिसकी जो जीसस की माँ थी वो एज अ कारपेंटर बाई मैंने आपको बताया था यूसुफ बिल्कुल शुरू में कि यूसुफ कारीगर द कारपेंटर की बात हो रही है यहाँ पे एज शी वॉज कन्विक्टेड ऑफ एडल्ट्री क्योंकि यूसुफ कारीगर यानी कि उसका जो बाप था जो कारीगर था वो कहता था कि इसने मेरे साथ जो है वो ज्यादा थी कि इसने जिना किया हालांकि ये मेरी बीवी थी तो घर से निकाल दिया था देन थाजॉप शी हैड बीन आउट बाय हर हस्बैंड हस्बैंड जब उसको उसके ने घर से निकाल दिया एंड शी वेंडरिंग अबाउट इन दिस डिसग्रेसफुल वे शी सेटली गिव बर्थ टू जीजस और फिर जो है वो कहीं और औरत चली गई और फिर उसने एक जीजस नामी कैरेक्टर को जो है वो पै, पैदा किया यानी कि तो रिमोट प्लेस में जाके जहाँ पे कोई शक मौजूद नहीं था एंड ही दैट बिकॉज ही यानी कि वो जीजस वॉज पुअर

स्पेल होते हैं उस उस हवाले से बड़ा फेमस था हजरत मूसलम की अगर हम बात करें तो के दरबारी दरबार में भी जब मुकाबला हुआ हज़र मूसलम का तो फिर ने जो है वो मिस्र में हुआ था यह सारा मामला तो फिरौन ने जो है वो अपने मूसम के अगेंस्ट जादूगरों को पेश किया तो यज का जो जादू था मिस्र का जो जादू था वो बड़ा फेमस था उस जमाने में तो उन्होंने कहा कि वो बंदा जो है उसने जादू सीखा जादू सीख के फिर वो इसराइल वापस आ गया बिकॉज ऑफ दिस पावर इन ऑन अकाउंट ऑफ देम हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ गॉड और अपने आपको कहने लगा कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ और यहूदियों का जो है वो पेशवा हूँ या जो है वो मसीह ये जिक्र अच्छा आगे यहाँ पे एक यहूदी आलम है रबी योशुआ। वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक मौकरी पेश करते हैं हजरत सलाम की या जीसस की बर्थ के बारे में कि उनकी जो पैदाइश थी वो मौजदाना नहीं थी बल्कि एक मौजाना पैदाइश का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं और उसके लिए वो एक पैरबल पेश करते हैं यहाँ पे द स्टेज ऑफ इथियस इथिन्स के पढ़े लिखे लोग उस रबाई के पास जाते हैं रबा के पास आते हैं से टू आर मैटर ऑफ नॉन साइंस क्योंकि हमें ऐसी बात बताओ जो बड़ी नाकाबिल यकीन हो यानी कि नॉन सेंस हो तो रबा यूशवा ने उनसे कहा कि अ म्यूल मैंने एक खच्चर को देखा है जन्म दिया एक खच्चर ने एक बच्चे को जन्म दिया तो तो लोग जो वहाँ खड़े हुए थे वो कहने लगे खच्चर कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकता है खच्चर तो खुद खसी होता है खच्चर कौन होता है एक जिसकी माँ जो है वो घोड़ी घोड़ी होती है और उसका बाप घजा होता है उसके मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है उसे खच्चर कहा जाता है और खच्चर जो है स्टराइल होता है यानी कि फर्टाइल नहीं होता है यानी कि खच्चर का जो जेंडर होता है वो हमेशा मर्द होता है और खच्चर बाब नहीं बन सकता यानी कि फी, फीमेल तो नहीं होती फीमेल म्यूल अगर होती है लेकिन ये सरडाल नहीं होती यानी कि पैदाइश नहीं कर सकते किसी की खसी होते हैं ये मुकम्मल तौर पर या इनके इस्पम काउंट जो होतेम काउंट नहीं होते इनके तो बहरहाल ये प्रोक्रिएट नहीं कर सकते तो वो रबाई जो है ना एक मौकरी देने लगा कि जिस तरह खच्चर एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता उस तरह कैसे एक गैर शादीशुदा औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है और ये कहते हैं कि खुदा की तरफ से बच्चा मेरे पास आया

बिल्कुल exactly. एक्जैक्टली तो अच्छा उसके बाद हुआ कुछ यूं रब बताते हैं ये वही रबाए ये रबा बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था कि हमें जूडिया से जो है वो यहूदा का तो जो एक इलाका था यहूदिया का वहाँ से भाग के मिस्र जाना पड़ा तो वो मिस्र में रह रहे थे इसको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ इस सारे वाक़े को तो वहाँ पे उनका एक शागिर था जिसका नाम था यसु नजरानी जीजस ऑफ नजरत कैन रीड यहाँ मैंने बॉल भी किया हुआ इसको तो यशुआ बिन पराया एक आलिम थे यहूदी आलिम थे वो उनके साथ एक इन में यानी कि वो होते हैं ना मुसाफिरों के लिए कुछ इन वगैरह होते हैं क्या क्या कहा जाएगा आसिम भाई भाई उसको कुछ जो इन होते हैं जहाँ पे सराये जो होते हैं शायद सराय कहते हैं हाँ सराय भी बोलते हैं मार्केट मतलब मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे मेहमान को ठहराया जाता है पे खाना पीना तो वहाँ पे वो ठहरे हुए थे यशुआ यशुआ बिन पराया नामी यहूदी आलिम उनका एक शागिर था जिसका नाम था जीजस नजरे अब ये उसी अभी उसीत सलाम की तरफ रेफर किया जा रहा है जीसस प्राइस को तो कह रहे हैं वो सराय में बैठे हुए सराय की तारीफ करने लगे कहने लगे How beautiful is this in? कि हाउ ब्यूटीफुल इज दिस इन यार कितना खूबसूरत है ये ये कितनी खूबसूरत है ये जगह यह जगह का लफ भी इस्तेमाल नहीं किया ये कहा कि यार कितनी खूबसूरत है तो जीसस नामी जो उनका स्टूडेंट था वन ऑफ स्टूडेंट सेड टू हिम के माय टीचर बट द आईज ऑफ टाइम कीपर्स वाइफ आर नैरो यानी कि इसकी जो सराय का जो मालिक है ना इसकी जो बीवी की आंखें जो हैं ये बड़ी प्यारी हैं तो कहते हैं ना हम क्या चीज़ है यार अब हम किसी चीज़ को देख के कह रहे हैं थे बोतल की तरफ मैं देखूँ बोलूँ क्या चीज़ है बोतल के पीछे कोई औरत खड़ी हुई है और बोले कोई शख्स हाँ यार चीज़ तो बहुत टाइट है तो ये वाला मामला हुआ वहाँ पे तो रबाई ने कहा कि क्या कहते हैं बदकार विकेट वन इज डेट वॉट यू आर एंगेज इन गेजिंग एट वुमेन कितने बदकार आदमी हो तुम तुम मैं सराय की बात कर रहा हूँ कि सराय कितनी खूबसूरत जगह है और तुम औरत के ऊपर देख रहे हो कि हाँ यार ये औरत जो है वो बड़ी प्यारी है बड़ी दिलकश है तो ही ब्रॉड आउट फोर हंड्रेड ऑफ शफरिकेटेड हम जो है मेरे ख्याल कुछ स्पेल वगैरह होता है या कुछ आ, वो होती है ऐलान बरात का एक ऐलान होता है जो जूडिज्म के अंदर अगर किसी को एक्स कम्यूनिकेट करना हो अपने शागिद को तो उन्होंने क्या करा कि यशुआ बिन पराया जो थे उन्होंने जीजस ऑफ नजरत को कहा कि तुम जो है ना बड़े बदकार आदमी हो मैं तुम्हें मैंने तुम्हें अपनी जो है वो में है में इसलिए रखा है कि तुम नेक आदमी बनो और तुम औरतों को घूर के देख रहे हो और घूर के देखने के साथ उनकी तारीफें भी कर रहे हो कि फलाकी बीवी इतनी खूबसूरत है तो उन्होंने उनको एक्सकम्यूनिकेट किया कि तुम जाओ मेरी मेफि से निकल जाओ तुम मेरे जो है ना शागि नहीं बन सकते तुम, आ, बदकार आदमी है एवरी डे जीजस बिफोर हिम बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट हिज विश टू रिटर्न हर दिन जीजस नामी ये जो कैरेक्टर था उनके पास आता था कि नहीं मुझे माफ कर दें मुझे भाज दें आप मैं दोबारा आपकी आ, उसके अंदर आना चाह रहा हूँ आपके तालबिल भी मैं आना चाह रहा हूँ लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं तुम जो है ना वो आ, तुम बदकार आदमी हो ही कह के उनको वापस भेज दिया वन डे एक दिन क्या हुआ है कि रबा यूशिया जो थे वो शमा जो है वो पढ़ रहे थे शमा कहते हैं समझ लें एक तरह से सूर अखलास लें या सूर्य फाति कह लें इसको तो राय की तो शमरा सूर्य अखलास की तरह है बिल्कुल ना कि ए इसराइल के पास सुन लो तुम्हारा खुदा जो है वो एक खुदा है तो उसकी जो है वो तिलावत कर रहे थे और इस दौरान वो जो है वो जीजस उनके पास आया और फिर रबाई यूशो ने कहा कि चलो यार बेचारा बार बार आ रहा है मेरे पास तो मैं इसको जो है वो इसका गुना इसको माफ कर देता हूँ और इसको दोबारा अपनी तालब इलमी में ले लेता हूँ तो वो खड़े हुए और जब जीसस उनके पास आने लगा तो उन्होंने जीसस को हाथ दिखाया यानी कि रुकने का इशारा किया है। या ये या चाह रहे होंगे कि मैं रुकने का इशारा करूं मैं खुद चल के आगे इसको गले लगाऊं तो जीसस जीसस थॉट ही रिजेक्टिंग हिम ने सोचा कि यार ये रवि जो है ना मेरा हमारा जो आलिम है हमारे जो रबानी है ये हमें जो है वो मुझे कह रहा है कि तुम चले जाओ यहाँ से मतलब मैं तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा तो ही देर फॉर वेंट एन स्टूडअप एंड स्टूड्रेक एंड इट एज एन आइडियल एज एन आइडल तो वो जीसस जो था वो उठा और उसने वो एक एक जो है वो भट्टी का एक वो बनाया एक पुतला बनाया एक मूर्ति बनाई और उसकी इबादत शुरू कर दी तो रबा युषवा ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो तुम इसको छोड़ो और दोबारा मेरी तरफ आओ तो जीसस ने कहा कि नहीं मैं आपकी शगदी में नहीं आ सकता तो अब जो है मैं गुनाह गुनाह का काम करूंगा का और इस गुनाह का जो बवाल है वो आपके ऊपर भी आएगा क्योंकि आपने मुझे गुनाह में लगाया तो अब मैं दूसरों को गुनाह में लगाऊंगा और शैतान ने जिस तरह कहा था ना

और फिर यहूदियों को जो है वो बुद परस्ती की तरफ मायल कर दिया कि खुदा जो है वो बाप बेटा रूहुल खुद और अपने आप को दावा किया कि मैं जो है वो खुदा हूँ और इस तरह के दावे करते करते फिर हमने उस शख्स को जो है वो ठिकाने लगा दिया ये आगे जिक्र आता है एग्जीक्यूशन का